हाय एवरीवन, कहते हैं एक बेटर पर्सन बनने के लिए हर दिन एक मौका है, लेकिन फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल एंड नेवर एंडिंग बिल पे करने के लिए हर दिन एक्चुअली लिविंग के कंपैरिजन सर्वाइवल के बारे में ज्यादा हो गया है। अगर हम कुछ ग्रेट अचीव करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। वैसे अगर हम एक बेटर पर्सन बनना चाहते हैं तो अपने लाइफ को चेंज और जो आप बनना चाहते हैं उस पर्सन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट करना पड़ता है। इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए तो आपको अपने डेली हैबिट्स में चेंज करना शुरू करना होगा। सबसे पहली चीज जो रोज करना चाहिए वो ये कि न्यूज रीड करो या देखो, क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना सबके लिए जरूरी है। अब चाहे आप टीवी देखो, सोशल मीडिया पे न्यूज पेजेस फॉलो करके अपडेटेड रहो या न्यूज पढ़ के, इसी के साथ कुछ ऐसा पढ़ो या सुनो जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। बुक रीड करना या एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनना ना केवल आपको कुछ नया सिखाता है या आपके क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी बढ़ाता है और माइंड शार्प रखता है। नेक्स्ट है रेगुलर स्किन केयर रूटीन फॉलो करना, डेली अपना फेस डे एंड नाइट में वॉश करना। मैं मॉर्निंग में नॉर्मली पानी से वॉश करती हूँ और फिर सनस्क्रीन अप्लाई करना पसंद है मुझे। डे टाइम या मोस्टली नाइट में मैं फेस वॉश करती हूँ। यहाँ मैं डर्मोवाइव हाइड्रा क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ। ये ओटमील बेस्ड है और ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। मेरी स्किन सेंसिटिव है और मुझे माइल्ड क्लेंजर ही पसंद है। ये इम्प्योरिटीज रिमूव करके स्किन सूथ एंड सॉफ्ट बनाता है। इसके बाद मैं ये न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग लोशन अप्लाई करूंगी। इसमें विटामिन ई है, ये स्किन सूथ ड्राई स्किन कंडीशन रिलीव करने के साथ सनबर्न स्किन को कूल करता है और स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। साथ ही स्किन के एसेंशियल बैरियर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, जिससे फिर स्किन सॉफ्ट सपल एंड स्मूथ फील होती है। बॉडी पे मैं ये डर्मोवाइव मॉइस्चराइजिंग लोशन अप्लाई करने वाली हूँ। ये नॉन ग्रीसी फास्ट एब्जॉर्बिंग लोशन है, स्पेशली पोस्ट वैक्सिंग थ्रेडिंग शेविंग से जब स्किन सेंसिटिव हो जाती है तब ये अप्लाई करने से स्किन हाइड्रेट एंड सूथ होती है। ड्राई स्किन कंडीशंस के लिए बेस्ट है ये। ये सारे प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं और मुझे तो पसंद आए, तो इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनकेस आपको ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा खाने से अच्छा फील होता है, इसलिए दिन में कम से कम एक बार लेस शुगर एंड फैट्स के साथ बैलेंस्ड मील खाने की कोशिश करें। पिज्ज़ा बर्गर स्ट्रीट फूड ये सब चीख चीख के कहते हैं कि हमें खाओ, पर जब तक पॉसिबल हो सके इन्हें अवॉइड करें। रोज़ ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो। स्नैक्स की जगह एप्पल चने या मूंगफली खाएं। अनहेल्दी चीज़ों को हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस करें। इसके लिए ना आपकी स्किन आपकी बॉडी आपको बाद में शुक्रिया अदा करेगी। थोड़ा टफ हो सकता है पर ये सब अपने माइंड को ट्रेन करने पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी स्टिमुलेट करता है फेमस हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करने में। ये हॉर्मोन्स पॉजिटिव फीलिंग को प्रमोट करते हैं जो कि बदले में आपको अच्छा फील कराते हैं। हर रोज़ एक्सरसाइज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर सिर्फ 5 to 10 मिनट, चाहे वो मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग करना हो या 10 मिनट्स जॉग पे जाना हो या टीवी देखते हुए एप्स स्क्वाट्स करना हो, कुछ भी जो फिजिकली आपके बॉडी को बेनिफिट्स दे और जिसमें आपका दिल दौड़ रहा हो, जो कि आपकी बॉडी एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये हर रोज़ करने से आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे।
नेक्स्ट, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। जब हम ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड बनाए रखते हैं तो हम लाइफ को आधा अधूरा नहीं बल्कि आधा भरा समझते हैं। हमेशा हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, पर जो मांगते हैं वो मिल जाने के बाद हम में से कितने लोग उनको शुक्रिया अदा करते हैं। हर छोटी बड़ी चीज का शुक्रिया अदा करने के साथ मन को शांत रखें और कुछ टाइम प्रे करने में भी दें। ये ट्राई करें और देखें कि कैसे इन सब से आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में चेंज होगी। नेक्स्ट, अपना सोशल मीडिया टाइम रिड्यूस करें। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया खराब है। हमारे फ़ोन के रेडिएशन के अलावा सोशल मीडिया भी वेरी एडिक्टिंग हो सकता है। स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया एंजाइटी, डिप्रेशन के अलावा आइसोलेशन की भी फीलिंग दे सकता है। यहाँ तक कि एवरीडे सिर्फ 1 आवर के लिए अपने DMs एंड नोटिफिकेशन को चेक करने की अर्ज को रेजिस्ट करें, या हो सके तो अपने सोशल मीडिया को पूरी तरह से चेक करने से बचें, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये ना केवल आपको हार्मफुल रेडिएशन के इफेक्ट से बचाएगा बल्कि ये आपको इंटरनेट पर लोगों की हार्मफुल टॉक्सिटी से भी बचा सकता है। इसके जगह आप चाहे तो बुक रीड करें या जो भी आपकी हॉबीज हैं वो करें, बस अपने इस टाइम को कुछ बेनिफिशियल चीज़ों से रिप्लेस करें। नेक्स्ट, जो हर रोज करना चाहिए वो है डायरी एंट्री या शॉर्ट जर्नल लिखें। दिन के लिए अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं। अपनी डे की प्लानिंग करने से आपको फोकस्ड एंड मोटिवेटेड रहने में हेल्प मिलती है। शॉर्ट जर्नल से आप अपने थॉट्स को डायरी में लिखें। अकेलापन और चिड़चिड़ापन महसूस होने का एक रीज़न ये भी है कि हम अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जब हम इन्हें और नहीं रोक पाते हैं तो एक्सप्लोड कर देते हैं। एक डायरी या जर्नल रखने से आपको उन थॉट्स एंड इमोशंस को अपने अंदर रखने के बजाय उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए एक चैनल मिलता है। यह आपको मेंटली एंड इमोशनली हील करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें। वैसे तो 3 बार करना चाहिए, मॉर्निंग, लंच एंड डिनर पर 2 बार 2 मिनट के लिए ब्रश करते हैं तो वो इनफ है। मॉर्निंग में तो सब करते हैं, बट ये नाइट रूटीन में भी होना चाहिए। ब्रश के साथ टंग भी ज़रूर क्लीन करें। जब हम अपने टीथ दिन में 2 बार ब्रश करते हैं तो बेसिकली इसे साफ करके माउथ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट, अपने रूम एंड स्पेस को ऑर्गेनाइज रखें। बहुत लोग मॉर्निंग में बेड ठीक करने से बॉदर नहीं करते, लेकिन दिन भर काम करने के बाद बेडरूम को नीट एंड क्लीन देखकर आपका सारा स्ट्रेस दूर हो सकता है। क्लीन बेडरूम की तरह क्लीन वर्क डेस्क भी ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर होता है। छोटी छोटी चीजें जैसे अपने साफ कपड़ों को फोल्ड करके कबर्ड में रखना, बेड ठीक करना, फ्लोर क्लीन, इन सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज सब क्लीन लगता है। इससे मैं मेरे काम पे अच्छे से फोकस कर पाती हूँ। लास्ट, अपने लव्ड वन के साथ अपना टाइम बिताएं। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिनकी केयर करते हैं, उनके साथ होना दुनिया की सबसे बड़ी फीलिंग्स में से एक है। चाहे वो फैमिली के साथ बैठ के टी पीना हो, डिनर करना हो, या डॉग्स के साथ खेलना, उन्हें खाना खिलाना हो, अपने लव्ड वंस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आफ्टर ऑल, आप अपनी सारी मटेरियल पोजेशंस लूज कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा उनके साथ शेयर्ड मेमोरीज हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो कुछ टाइम आप उन चीज़ों को करने में स्पेंड करें जो आपको खुश करते हैं। लाइफ काम करने और बिल्स पे करने के बारे में नहीं होना चाहिए। अपने हॉबीज, अपने लव्ड वंस के लिए भी टाइम निकालना चाहिए।
तो अब यहाँ होती है आज की वीडियो ख़त्म। आपके थॉट्स क्या हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल थी या इनमें आपने कुछ न्यू सीखा और आप फॉलो करेंगे तो मुझे जान के बहुत खुशी होगी। अगर मेरी वीडियो बेनिफिशियल रही हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय।